नमस्कार साथियों, सभी को राम राम, जय सियाराम, वंदे मातरम, जय हिंद। यहाँ पर माय डियर अपन बात कर रहे थे साधारण ब्याज की, बात कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट की। माय डियर बातें अपन ने की थी और सिंपल इंटरेस्ट में बहुत सारी बातें अपन देख चुके हैं, कुछ बेसिक बातें अपन ने देखी थी। और जहाँ से बात माय डियर छोड़ी थी वहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं, वहीं से चीज़ों को देखेंगे किस टाइप की बात करा और क्या क्या कहानी आपकी चल रही है। तो देखेंगे एक एक चीज को माय डियर, आपको समझना है क्या कहानी आपकी चलेगी, किस टाइप से बात आपकी कर रहा है। देखते जाएं, चीजों को समझते जाएंगे। यहां पर माय डियर बात करें तो क्या कहानी थी। देखें, कुछ क्वेश्चन माय डियर अपन ने कर लिए थे और जहाँ से क्वेश्चन अपन ने किए थे वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। बात आपकी क्या है, किस टाइप से चल रहा था, क्या कहानी थी, क्या क्या देखा था अभी तक, क्या क्या बेसिक अपन ने कंप्लीट किया था, उसी से आगे बात को अपन देखेंगे। चीज़ों को आप समझने की थोड़ी थोड़ी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। चीज़ों को थोड़ी थोड़ी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। बात आपकी क्या है, किस टाइप से बात की है, क्या क्या प्रोसेस आपका लगाएं, पूरी चीज़ों को देखेंगे। बात आपकी क्या है, देखो अब यहाँ पर माय डियर बात आपकी कर रहा था, चीज़ें देखें, चीज़ों को समझते जाएं, चीज़ों को देखते जाएं, कहाँ तक अपन ने कर लिया था, क्या क्या प्रोसेस आपने देखा था। देखो मेरे ख्याल से इतनी बातें अपन कर चुके हैं यहाँ तक, ये देखेंगे। इससे पहले की बातें अपन कर चुके हैं, ये अगला क्वेश्चन माय डियर आपको दिया है। क्वेश्चन को एक बार सभी साथी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पर माय डियर आपसे बात कर रहा है एक निश्चित राशि पर 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज, एक निश्चित राशि है 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 600 रुपये होता है। यदि मूलधन 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या है, 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज आपका क्या है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें, क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, बोल क्या रहा है, क्या कहानी आपकी चल रही है, क्या बोलना चाहता है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें कुल ब्याज क्या है, 10वें वर्ष के अंत में आपको कुल ब्याज माय डियर निकालना है। बातों को समझेंगे, बातों को पढ़ें। उसने बात करी एक निश्चित राशि 10 वर्ष के बाद, कोई निश्चित राशि है उसमें 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है, 600 रुपये। यदि मूलधन 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या होगा, कुल ब्याज आपका क्या होगा। 5 वर्ष बाद 3 गुना हो रहा है, कब हो रहा है, 5 वर्ष बाद। अब देखो यहां पर माय डियर उसने आपसे बोला हुआ क्या है, एक निश्चित राशि 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज, 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद आपका साधारण ब्याज कितना है। यहां पर माय डियर बात करें 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद माय डियर बात करें तो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज आपका कितना है, यहां पर माय डियर बात करें तो कितना है आपका, 600 रुपए। और साधारण ब्याज हर साल क्या लगता है, समान। अब उसने बात करी 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाती है, कोई भी राशि है 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो रही है तो 5 वर्ष का ब्याज निकाल लें, किसका निकाल लें, यहां पर माय डियर बात करें 5 वर्ष बाद ब्याज। पांच वर्ष के बाद अगर यहां पर माय डियर बात करें साधारण ब्याज की बात करें तो 5 वर्ष बाद आपका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा भाई, 10 वर्ष में साधारण ब्याज 600 था तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आधा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल क्या लगता है, समान लगता है। अब यहां पर माय डियर 5 वर्ष के बाद साधारण ब्याज कितना है, 300 है। और बात करा है मूलधन 5 वर्ष के बाद 3 गुना हो जाता है, जो मूलधन है वो आपका 5 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 3 गुना। तो अगले 5 वर्षों में अब ये आपका मूलधन बन गया, ये इतनी राशि बन गई, और अगले 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में माय डियर बात करें तो यहाँ पर बात करी है उसने मूलधन 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। अगर 3 गुना होगा 300 का माय डियर क्या कर दें, 3 गुना कर दें, और 300 का 3 गुना करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। और पहले कितनी राशि थी, 300 थी, 5 वर्ष पहले कितनी थी, 300 थी। तो यहां पर माय डियर बात करें राशि आपकी क्या होगी, 1200 बन जाएगी, क्या होगी, 1200 होगी। तो यहां पर माय डियर बात करें तो राशि आपकी कितनी है, उसने बात करा 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या है, तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज आपको कितना प्राप्त होगा, 1200 होगा, कितना प्राप्त होगा, 1200 होगा।
क्योंकि जो स्टार्टिंग के 5 वर्ष है उनमें ब्याज मिला कितना 300, और अगले 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, राशि 3 गुना हो रही, यानी ब्याज ही 3 गुना बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ब्याज कितना बढ़ गया, 300 का 3 गुना किया तो 900, 900 में 300 ऐड किया तो कितना 1200, तो 10वें वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा आपको, 1200 ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा, 1200 ब्याज मिलेगा। एक बार चीजों को देखें यहां तक माय डियर, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर इतनी बात माय डियर आपको समझ आई है, इतनी बातों को आप पकड़ पा रहे हो, इतनी चीज आप समझ पा रहे हैं, तो देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन माय डियर आपसे बोल क्या रहा है, 12 वर्ष में 1500 रुपए साधारण ब्याज मिलता है। 12 वर्षों में 1500 रुपए क्या मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है। यदि प्रारंभिक मूलधन राशि को प्रत्येक 400 वर्षों में के बाद क्रमशः 10%, 25% बढ़ाया जाता है तो नया साधारण ब्याज क्या होगा, नया साधारण ब्याज क्या होगा। लैंग्वेज को पहले माय डियर समझने की कोशिश करेंगे। वो बात कर रहा है कि 12 वर्षों में कुल ब्याज कितना मिल रहा है, 1500 रुपए मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 1500। यदि प्रारंभिक मूलधन राशि को प्रत्येक 4 वर्षों के बाद, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद पहले कितना बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए, और प्रत्येक अगले 4 वर्षों में 25% बढ़ाया जाए तो नया ब्याज क्या होगा। ओनली ब्याज आपको निकालना है। तो यहां पर माय डियर बात करें 12 कितने साल में बढ़ रहा है, कितने अंतराल में बढ़ रहा है, 4 वर्षों के अंतराल की बात कर रहा है। तो देखो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो या आराम से डिटेल में लिख सकते हो, 12 वर्ष बाद ब्याज, साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष के बाद आपको ब्याज मिला, 12 वर्ष के बाद आपको ब्याज मिला और कितना मिला, 1500 रुपए ये मिला। अब यहां पर मीडिया बात कर रहा है 4 वर्षों के अंतराल में चीजों को बढ़ा रहा है, तो 4 साल का ब्याज निकाल लें, 4 वर्ष के बाद ब्याज, चार वर्ष के बाद ब्याज आपका कितना होगा, 1500 को यहाँ पर माय डियर 12 को अगर 4-4 के पार्ट में डिवाइड करेंगे 3 भाग बनेंगे, तो 1500 को 4 के भाग में अगर डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा आपका, 500 आ जाएगा। अब बात कर रहा है कि यहाँ पर ये राशि आपकी कितनी बनी, 400 वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद ब्याज कितना, 500। 4 वर्षों के बाद ब्याज को क्रमशः कितना बढ़ा रहा है, 10%, फिर अगले 4 वर्षों में 25%। अब इसको 10% बढ़ा के ऐड कर दें और इसका 25% निकाल के ऐड कर दें। अब बात को देखें, अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले एक छोटी सी बात से बात को समझें। जैसे यहां पर माय डियर आपको अपन ने मान लिया P बराबर कितना है, 1000 है, R बराबर आपका कितना है, 10% है, और T बराबर आपका कितना है, 1 साल है। अगर मैं इसका साधारण ब्याज निकालूं, क्या निकालूं, साधारण ब्याज, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1000 इंटू माय डियर आपका कितना, 10 इंटू 1 अपॉन आपका क्या होगा, 100 होगा। ये जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, कितना ब्याज मिला, 100। कितना ब्याज मिला, 100, और 100 को अगर 1000 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 1100। कितना हो जाएगा, 1100। तो मिश्रधन आपका कितना मिला, 1100। लेकिन अगर मैं इसी राशि को 110% डायरेक्ट बढ़ा दूं, 1000 को अगर मैं 110 डायरेक्ट बढ़ा दूं, यहां पर बात करें तो ये 110 बढ़ा दिया मैंने, कितना बढ़ा दिया, 110। और 110 माय डियर बढ़ाया तब भी ये राशि आपकी कितनी बन रही है, 1100 बन रही है। कितनी बन रही है, 1100 बन रही है। तो इसमें मूलधन डायरेक्ट, मूलधन में आपका ब्याज डायरेक्ट काउंट हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई, अगर इतनी बात को आप समझ पाए हो, इतनी चीजों को माय डियर आप समझ पा रहे हैं, तो देखें बात आपकी क्या है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है, बातों को देखते जाएं, बातों को समझते जाएं, बात आपकी क्या है देखो। अब इसी चीज को माय डियर आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, और डायरेक्ट अप्लाई कैसे करेंगे बात को देखें, देखो यहां पर माय डियर उसने बोला हुआ क्या है, 10% बढ़ा रहा है। स्टार्टिंग के 4 साल में ब्याज आपको कितना मिला, 500 मिला, और अगले 5 साल की बात करें तो पहले अगर बढ़ाता नहीं तो 500 ही मिलता, और अगले 4 साल में भी 500 मिलता, लेकिन अगले 4 साल में 10% बढ़ा रहा है। तो इसको मैं डायरेक्ट 10% पहले कितना मिला ब्याज, 500। अगले साल में माय डियर इसको 10% बढ़ा रहा है, इसको डायरेक्ट 500 को मैं क्या लिख सकता हूं, 110 बटा कितना लिख सकता हूं, 100 लिख सकता हूं। फिर अगले में ये 500 ही मिलता, लेकिन 500 को वो कितना बढ़ा रहा है यहाँ पर, 25%, तो डायरेक्ट इसको 125 लिख देता हूँ, इससे डायरेक्ट आपका आ जाएगा। ये बात देखिए अभी अपन ने यहाँ पर आपने समझा भी होगा, काटा कूटा कर दें, काटा कूटा माय डियर करेंगे तो ये आपका इससे ही कट जाएगा।
यहाँ पर माय डियर बात करें, ये जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, तो देखें बात आपकी क्या है, क्या बनेगा। यहाँ पर माय डियर बात करें तो कुल ब्याज आपका कितना आ जाएगा, ये आपका कितना है 500। यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना आ जाएगा 550 आएगा, कितना आ जाएगा आपका 550 आ जाएगा। और इसका माय डियर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आपका कितना 25, और यहाँ पर 5 × 2 = 10, 10 × 2 कितना हो जाएगा आपका 12, और ये हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा। यहाँ तक देखें, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की समस्या है क्या। और इन सभी को माय डियर ऐड करेंगे, ऐड किया तो 500 और 500 = 550 कितना हो जाएगा 1000 आपका कितना 50, 1050 में माय डियर अगर 625 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1600, कितना हो जाएगा यहाँ पर माय डियर बात करें 1675 हो जाएगा। तो कुल ब्याज कितना मिला, 1675 मिला, कुल ब्याज कितना मिला 1675 मिला। बढ़ाने के बाद 10% बढ़ाया, फिर 25% बढ़ाया, तो ब्याज आपको कितना मिला 1675 मिला। यहां तक सभी साथी एक बार बात को देखें, बात समझ आई या नहीं है। अब यहां पर आप क्या कर सकते थे, स्टार्टिंग के 4 साल में ब्याज कितना मिला 500, अगले साल में भी 500 ही मिलना था, लेकिन उसने 10% बढ़ाया और इसको 10% आपने बढ़ाया, कितना बढ़ाया 10%, या तो इसका 10% निकाल कर 500 में ऐड कर दोगे तब भी 550 ही आएगा, ये जो 500 इसको 25% निकाल के 500 में ऐड करोगे तब भी कितना आएगा 625 ही आएगा। इसलिए अपन ने डायरेक्ट लिख दिया 125/100, और यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया 110/100 लिख दिया, जो आपका बढ़ाने के बाद जो ब्याज प्राप्त होगा वो कितना होगा 1675 होगा, कितना होगा 1675 होगा। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ आई होगी, यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई होगी, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर इतनी बातों को माय डियर समझ पा रहे हैं, एक बार चीज़ों को आप देखेंगे किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी चल रही है, क्या प्रोसेस आपका चल रहा है, अगर इतनी बात आप समझ पाए तो बात को आगे बढ़ाता हूँ और आगे माय डियर क्या बात कर रहा है देखेंगे। अगला दिया हुआ है, आराम से माय डियर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखो कितनी सिंपल सी बात उसने यहाँ पर माय डियर आपके लिए की है। बात कर रहा है 8% प्रतिवर्ष पर 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, 9% पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज से 90 रुपये अधिक है, कितने रुपए अधिक है 90 रुपये अधिक है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है, आपको मूलधन निकालना है, और मूलधन देखो 8% प्रतिवर्ष 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, यानी कोई राशि है उस पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का जो साधारण ब्याज प्राप्त होगा, और उसी राशि पर 9% प्रतिवर्ष से 2 वर्षों के जो साधारण ब्याज प्राप्त होगा, उन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर होगा 90 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा 90 के बराबर होगा। यानी अब यहां पर प्रतिशत में अंतर निकाल ले और उसको 90 के बराबर कर दें, तो यहां पर माय डियर अगर बात करें तो पी बराबर आपका क्या हो जाएगा, पी बराबर आपने क्या मान लिया 100%। अब यहां पर बात कर रहा है 8% प्रतिवर्ष पर 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, तो यहां पर माय डियर बात करें 8% प्रतिवर्ष पर आप साधारण ब्याज निकाल लें 8% ही, तो यहां पर माय डियर बात करें 8 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 24%, और यहां पर माय डियर बात करें 9 × 2 कर दें, 9 × 2% करेंगे तो यहां पर माय डियर बात करें तो कितना हो जाएगा ये आपका कितना हो गया 18%, यही हुआ, ये हुआ आपका। अब यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, दोनों का माय डियर अंतर लेंगे कितने प्रतिशत का अंतर आ रहा है, यहां पर माय डियर बात करें कितने प्रतिशत का अंतर है 6% का। अब ब्याज में जो प्रतिशत का अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है 6%, और यहां पर उसने रुपए में जो अंतर दे रखा है वो कितना दिया है 90, तो 6% बराबर आपका कितना हो जाएगा 90 रुपये हो जाएंगे, 6% बराबर आपका कितना हो जाएगा 90 रुपये हो जाएंगे। तो यहां पर माय डियर 100% बराबर मूलधन निकालना है, 100% बराबर आपका क्या होगा, तो 100% बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें 90/ आपका क्या होगा 6 होगा, इंटू आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, यहां तक माय डियर बात करें तो यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या। यहां पर माय डियर अगर काटा कूटा आप करना चाह रहे हैं तो चलो देखिए काटा कूटा कर देते हैं, यहां पर माय डियर बात करें तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये आपका 1 टाइम, और यहां पर माय डियर 6 × 1 कितना 6 बचा, कितना आपका 3, और 6 × 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा।
तो यहां पर माय डियर बात करें कितना आ जाएगा आपका 1500, कितना आ जाएगा 1500। तो मूलधन क्या था 1500 रुपए था, मूलधन क्या था आपका 1500 रुपए था। यहां तक माय डियर चीजों को देखें, यहां तक बातों को समझें, बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है, चीजों को माय डियर देखते जाएं, चीजों को आप समझते जाएं, किस टाइप से बात आपकी कर रहा है, चीजों को देखें, चीजों को समझें। अगर इतनी बात आपको समझ आई, यहाँ तक की कहानी माय डियर आप पकड़ पाएं, तो देखो ये बातों को आगे बढ़ाते हैं, बातें आपकी क्या हैं। तो यहाँ पर जो मूलधन आपका प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 1500 रुपए, मूलधन जो आपका प्राप्त होगा वो कितना होगा 1500 रुपए प्राप्त हो जाएगा। आपने उसने रुपयों का अंतर दिया था और आपने प्रतिशत का अंतर निकाल लिया और प्रतिशत का अंतर रुपयों के अंतर के बराबर कर दिया, तो 6% बराबर कितना आया 90, तो 100% बराबर माय डियर आपका कितना हो जाएगा 1500 रुपए हो जाएगा। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ आई होगी। अगर आप इतनी बात को समझ पा रहे हो, इतनी चीजों को आप पकड़ पा रहे हो, तो लगाएंगे अगले में, और अगले में माय डियर बात क्या कर रहा है, एक बार सभी साथी आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है और एक बार सभी आंसर देने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे, सभी साथी क्या करेंगे आंसर देने की कोशिश करेंगे। एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से बात आपकी चल रही है। यहां पर माय डियर उसने बात की है किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए 2.1% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, और उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज का अंतर कितना है आपका 60 रुपया है। तो पूंजी कितनी है, पूंजी कितनी है, यहां पर माय डियर बात क्या कर रहा है, यहां पर बात कर रहा है किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, और उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपए है, तो पूंजी कितनी है। तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है पूंजी कितनी है। एक बार सभी साथी क्या करेंगे प्रयास करेंगे, और प्रयास करके आंसर देने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे, सभी साथी क्या करेंगे प्रयास करेंगे और प्रयास करके क्या करेंगे आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, पहले एक बार पढ़ें क्वेश्चन को माय डियर, देखें दिया हुआ क्या है और आपको करना क्या है। देखो पहले कितने वर्ष की बात कर रहा है, 4 वर्ष की बात कर रहा है, कितने वर्ष की बात कर रहा है 4 वर्ष की, और टी बराबर यहां पर माय डियर बात करें तो आरटी प्रतिशत आपका कितना हो जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें बाद में भी 4 वर्ष है पहले भी 4 वर्ष है, तो आरटी प्रतिशत निकाल दें, और आरटी प्रतिशत निकाल दो इसे कितना लग सकते हो 2 × 2 4 में प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 5/2, और 5/2 × कितना 4%। तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना आ जाएगा 10% आया, और साधारण ब्याज उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए, यहां भी समय भी कितना है, अगर दूसरे की माय डियर बात करें तो दूसरे समय कितना है, यहां आपका कितना है उतना ही समय, प्रतिशत कितना है 3 × कितना कर दे 4, यहां पर माय डियर बात करें तो आपका कितना आ जाएगा 12%, और इन दोनों का माय डियर अंतर लेंगे तो कितना आ रहा है आपका 2%, कितना आ रहा है 2%, और यहां पर रुपए में जो अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया है आपका 60%, 60 रुपए दिया हुआ है। अब उसने आपसे बात करी मूलधन, मूलधन क्या होता है आपका 100%, 2% बराबर ये है, तो 100% बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें 60 × आपका क्या होगा 100 होगा, बटा माय डियर आपका कितना होगा 2 होगा, यहां पर अगर काटा कूटा करेंगे तो काटा कूटा कर देते हैं, यहां पर माय डियर बात करें कितनी बार कट जाएगा आपका 30 बार, यहां पर माय डियर बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 3000, कितना हो जाएगा आपका 3000, यानी मूलधन आपका कितना था 3000 था। तो यहां पर जो आरटी दिया हुआ है उसका अंतर प्रतिशत में निकाला, और जो अंतर दिया हुआ उसके आपने क्या कर दिया बराबर कर दिया, तो यहां पर माय डियर इससे आपका क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा, इससे माय डियर बात करें तो इससे आपका क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी, यहां तक की कहानी को आप पकड़ पाए होंगे, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी चल रही है, वो कहना क्या चाह रहा है और आपको करना क्या है। अगर इतनी बातों को आप समझ पा रहे हो, इतनी चीजों को माय डियर अगर आराम से आप पकड़ पा रहे हो, इजी वे में पकड़ पा रहे हो, तो देखो चीजें आपकी यूं ही निमट जाएगी, बस चीजों को देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं, किस टाइप से बात कर रहा है और क्या कहानी आपकी चल रही है। देखो अगला अगला माय डियर उसने बात करी है वार्षिक ब्याज की दर से
वार्षिक ब्याज की दर से 11.5% से 10% हो जाने पर, पहले जो ब्याज की दर थी वो कितनी थी, 11.5% थी, और बाद में कितनी होगी, 10% हो गई। किसी व्यक्ति को यहाँ पर 55.50 की वार्षिक हानि हो जाती है, तो उसकी पूंजी है, तो उसकी पूंजी है यानी उसका मूलधन कितना था, पहले ब्याज की दर कितनी लग रही थी 11.5%, और बाद में ब्याज की दर कितनी लग रही है, 10% लग रही है, यानी 11.5 से 10% हो जाने पर उसे कितने का नुकसान हो रहा है, यहाँ पर 55.5 का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर माइडिया प्रतिशत का अंतर निकाल दें और इसके बराबर कर दें, इसके बराबर कर दें, तो यहाँ पर माइडिया बात कर रहा है पहले दर कितनी थी, यहाँ पर अगर माइडिया बात करें तो पहले दर कितनी थी 11.5, और बाद में दर आपकी कितनी हो जाती है, 10% हो जाती है। इसका अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.50, और इतना अंतर प्रतिशत में आने के बाद यहां पर रुपए में कितने की हानि हो रही है, यहां पर माय डियर बात करें 55.5% की हानि हो रही है, तो 1.50 बराबर प्रतिशत बराबर आपका क्या होगा, यही होगा। क्लियर है? तो यहां पर माइडिया बात करें 100% बराबर निकाल दें, 100% बराबर निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 100%, और 100% बराबर आपका क्या होगा, 55 पॉइंट आपका क्या होगा, ये आपका 50, और अपॉन कितना होगा, यहां पर माइडिया बात करें तो कितना हो जाएगा, इनटू आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहां तक मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट से आपका पॉइंट उठ जाएगा। क्लियर है? यहां पर माइडिया बात कर दें, इसको कितनी बार काट दें, 3 से, और इसको काट दें कितनी बार, 2 बार। क्लियर है? यहां पर माइडिया बात करें और कुछ कट रहा है क्या, ऊपर अगर काटने की कोशिश करें तो ये आपका क्या होगा, 3 से इसे काट दें कितनी बार, 1 बार। यहां पर माइडिया बात करें तो 1 बार 2 बचा, कितना हो जाएगा आपका, 25। 25 को 3 से काटेंगे, 8 ती कितना, 24, 1 बचा 15, ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, और ये आपका कितना, 0। तो यहां पर माइडिया बात करें 1850 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 0। यहां पर माइडिया डबल हो जाएगा, ये आपका 10 होगा, ये 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17, और यहां पर माइडिया बात करें 2 में 1 ऐड करेंगे कितना, 3700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 3700 हो जाएगा। तो यहां पर माइडिया बात करें उसकी पूंजी कितनी थी, 3700 रुपया थी, पूंजी कितनी थी उसकी, 3700 रुपया थी। तो देखो अगर आपने चीजों को पकड़ना सीख गया, और बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारे एग्जामों में इस टाइप की बातें आपको सिंपल लग रही होगी, क्योंकि एक बार पकड़ में आ जाने की बातें क्या लगती है, सिंपल। लेकिन माइडिया अगर चीजों को एक बार देखोगे, और ऐसा नहीं है कि चीजें एग्जाम में नहीं आती हैं, एग्जाम में बात करेगा, जैसे आपका डी ग्रुप का भी एग्जाम होने वाला है, रेलवे की बात करें उसमें पूछेगा, राजस्थान के आपके जितने भी एग्जाम है उनमें इस टाइप की बात करता है, अगर बातें करता है तो ये चीजें माय डियर आपको आना चाहिए, ये चीजें आपको करना आना चाहिए। और एक बार अगर क्वेश्चन को आपने देख लिया ढंग से, तो इन चीजों को आप आराम से इजी वे में माय डियर बना दोगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी, बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे क्या दिया हुआ है देखें अगला। यहां पर माइडिया बात कर रहा है, एक व्यक्ति 2 वर्षों के लिए कुछ राशि उधार लेता है, एक व्यक्ति है जो 2 वर्षों के लिए कोई राशि उधार लेता है, अगर 3% बढ़ जाए तो उसे 300 रुपए अधिक भरने पड़ते हैं। अब एक व्यक्ति है, अगर 2 वर्षों के लिए कोई राशि उधार लेता है, अगर दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो उसे 300 रुपये अधिक भरने पड़ते हैं। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब इसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट करने से पहले एक छोटी सी बात को समझेंगे, पहले बात को समझें, बात आपकी क्या है। मान लो पहले दर थी आपकी आर, पहले दर थी क्या आर, 2 वर्षों की बात कर रहा है, तो यहां पर आरटी प्रतिशत बराबर आपका क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, यहां पर माइडिया बात करें आरटी, 2 वर्षों की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा, यहां पर माइडिया बात करें 2 वर्षों की अगर बात कर रहा है, 2 वर्षों की अगर बात करें तो बात आपकी क्या, अपन ने मान लिया आर है, 2 वर्षों के लिए ब्याज आपको क्या मिलेगा, यहां पर माइडिया बात करें 2R प्रतिशत। अब बात करा 3% अगर बढ़ा दें, 3% अगर बढ़ा दें तो बाद में आपकी क्या हो जाएगी, ये होगी, और समय वही है तो बाद में ब्याज आपका क्या लगेगा, ये लगेगा। तो यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा, 2R इंटू कितना प्लस आपका 6 होगा, दोनों का अंतर लेंगे, 2R और इसका अंतर लेंगे तब भी आपका क्या आएगा, 6% ही आएगा, क्या आएगा, 6% आएगा।
इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो, अगर आपको आर मानने की भी जरूरत नहीं है, इतनी बात आ गई समझ में, इतनी बात आई है, तो यहां पर आप डायरेक्ट कर सकते हो। एक व्यक्ति दो वर्षों के लिए कुछ राशि उधार लेता है, अगर दर कितनी बढ़ा रहा है, 3% बढ़ा रहा है, जितनी बढ़ा रहा है और दर आपको नहीं दी, तो यहां पर आरटी प्रतिशत बराबर जितनी बढ़ा रहा है, कितनी बढ़ा रहा है, 3% बढ़ा रहा है, तो यहां पर आरटी प्रतिशत आपका कितना हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, और ये प्रतिशत है, और बराबर आपका कितना प्रतिशत हो जाएगा, 6%। वहां मान के भी वही आ रहा था, डायरेक्ट जितना बढ़ा रहा उसका समय से मल्टीप्लाई कर दें, 6% बढ़ाने पर उसे कितने रुपए बनने पड़ रहे हैं, 300, तो 6% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 300 रुपए, तो 1% बराबर, 1% बराबर आपका कितना होगा, 300 बटा आपका क्या होगा, 6 होगा। तो यहां पर माय डियर बात करें 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें 300 × आपका क्या होगा, 100 होगा, और अपन आपका क्या होगा, 6 होगा। यहां पर माइडियर बात करें तो ये 6×5 आपका 30 हो जाएगा, और इसका माइडियर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर आपका 5000, यानी मूलधन आपका कितना था, 5000 रुपया था, मूलधन आपका कितना था, 5000 रुपया था। तो यहां पर माइडियर बात करें तो आपको ये आर मानने की जरूरत नहीं है कि पहले आर माना फिर उसको बढ़ाया, जितना बढ़ा रहा है और जितना समय दिया है उसका मल्टीप्लाई कर दें, और रुपयों में अमाउंट जितना आपका बढ़ रहा है उसके क्या कर दें, उसको बराबर कर दें। अगर ऐसा कर देंगे तब भी बात आपकी बन जाएगी, तब भी आपको किसी प्रकार का कोई भी दुख दर्द, कोई भी समस्या नहीं होगी, तब भी आपको किसी प्रकार का कोई दुख दर्द, कोई समस्या नहीं होगी। यहां तक माय डियर आप बातों को पकड़ पा रहे होंगे, यहां तक चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। अगर यहां तक माय डियर आप बातों को पकड़ पा रहे हो, चीजों को समझ पा रहे हैं, तो बात को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बात आपकी क्या है देखें। अगली माय डियर बात क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन आपको दिया है और बात आपकी क्या है, पढ़ेंगे आराम से और सभी साथी आंसर देने की कोशिश करेंगे। उसने बोला हुआ है 1220 रुपए दो वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर 1320 हो जाते हैं, अगर दर आपको 3% कम कर दी जाए तो दो वर्षों के बाद मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो देखें बात आपकी क्या है, 1220 रुपए दो वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर कितना हो गया, 1320 हो जाता है, अगर दर को 3% कम कर दिया जाए तो यहां पर माइडियर बात करा दो वर्षों के बाद मिश्र धन क्या होगा। अगर दर को माइडियर कम करेंगे तो दर को आप डायरेक्ट कम कर दें, दर को आप क्या कर दें, डायरेक्ट कम कर दें, पहले कितना था आपका 1220 था और यहां पर कितना हो रहा है, 1320 हो रहा है, अगर दर को 3% कम कर दें तो ये आपका कितना है, 3% कम कर दें, और 3% कम करेंगे कितना हो जाएगा, 6%, तो इसका 6% निकाल कर उसको क्या कर दें, घटा दें। अगर 1200 का यहां पर 1220 का आप क्या निकालोगे, 6% निकालें, और 6 बटा आपका क्या हो जाएगा, यहां पर माइडिया बात करें कितना, 100, इससे काट दें, और यहां पर माइडिया बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना, 12 और ये कितना हो जाएगा, 13, 6 और ये कितना हो जाएगा, 7, ये 73 पॉइंट आपका 2 आ जाएगा। अब पहले जो ब्याज लग रहा था उससे राशि आपकी क्या बनी थी, 1320, अब पहले से कितना रुपया कम मिलेगा, 73.2, इसे डायरेक्ट आप घटा सकते हैं, यहां पर माइडिया बात करें तो क्या हो जाएगा, 1320 में से आप कितना घटा दें, ये घटा दें, भाई पहले जो राशि मिल रही थी उससे क्या मिलेगा, कम मिलेगा, और इसे माइडिया अगर घटाएंगे तो बात आपकी क्या बनेगी, ये बनेगी, यहां पर माइडिया बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये होगा, यहां पर माइडिया बात करें तो ये हो जाएगा, और यहां पर बात करें तो कितना हो जाएगा, 1246 रुपया क्या होगा, प्राप्त होगा, कितना होगा, 1246.8 रुपया आपको क्या होगा, प्राप्त होगा, यानी जो राशि आपको मिलने वाली थी उससे इतना रुपया आपको कम प्राप्त होगा, तो उसको घटा दिया, तो यहां पर माइडिया बात करें तो जो मिश्र धन है वो मिश्र धन आपका यही होगा, भाई उसको जो ब्याज ही तो कम होने वाला है, जो आपको अमाउंट मिलने वाला था वो तो फिक्स मिलने वाला था। तो यहां तक माइडियर आपको बात समझ आ गई होगी, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी आपकी चल रही है। अगर इतनी बात माइडियर आपको समझ आई है तो बात को आगे बढ़ाएं, आगे क्या कह रहा है देखो। आगे माय डियर उसने बात करी, एम ने कुछ धनराशि एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार ली, लेकिन ब्याज दर 2% बढ़ा दी गई, जिसमें ब्याज 120 रुपया बढ़ गया, तो मूलधन ज्ञात कीजिए।
अब यहां पर मीडिया बात कर रहा है, उसने बोला है 2% बढ़ा दे, एक वर्ष के लिए ले रहा है और कितने प्रतिशत बढ़ाने की बात कर रहा है, 2% बढ़ाने की बात कर रहा है। तो एक बार सभी साथी क्या करेंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे कि बात आपकी क्या बन रही है, किस टाइप से कहानी आपकी कर रहा है। एक बार फटाफट सभी साथी आंसर देंगे किस किस की बात बन रही है। अब अपन ने बात करी थी जब भी प्रतिशत को बढ़ाने की बात करें, कितने प्रतिशत बढ़ाने की बात करा और एक वर्ष की बात करा है, तो 2% बराबर यहां पर माय डियर डायरेक्ट आपका कितना हो जाएगा, 120 रुपया। तो यहां पर आपके मूलधन की बात कर रहा है, मूलधन क्या होता है 100%। तो यहां पर माय डियर बात करें एसआई आपका कितना हो जाएगा, 1% = 120/2 हो जाएगा। तो 100% बराबर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 120 / आपका क्या होगा 2 होगा, इनटू आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहां पर माइडिया बात करें ये एक बार और ये आपका कितनी बार कट जाएगा, 60 बार, बरोबर आपका कितना हो जाएगा 6000 रुपया। कितना 1000 रुपया प्राप्त होगा, 6000 रुपया यहां पर माइडियर मूलधन था, वो मूलधन आपका कितना था 6000 रुपया मूलधन था, कितना था आपका 6000 रुपये आपका क्या था मूलधन था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको अगर वो डायरेक्ट देता है तो डायरेक्ट आपको बनाना है, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको पैदा नहीं होना चाहिए। यहां तक की बातें आपको समझ आई होगी, जब भी प्रतिशत में दर को बढ़ा रहा है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, आर वार आपको कुछ नहीं मानना है, जितने वर्ष दिया है उसका मल्टीप्लाई करके और जो राशि बढ़ रही है उसके बराबर कर दे, 100% आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, यहां तक की कहानी आप पकड़ पा रहे होंगे, और यहां तक की कहानी अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो आगे कहानी देखते हैं। फिर देखो अगला दिया, किसी पूंजी पर 10 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपये प्राप्त होता है, यदि 10वें वर्ष के बाद पूंजी 3 गुना, ये अपने कर लिया, ये पहले हो चुका है, ये डबल आ गया, अगला देखेंगे। अगली माइडिया बात कर रहा है आपसे ये दिया और यहां पर बात आपकी क्या करा पड़ेंगे, 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित 100 रुपये, 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जिसका कि यहां पर 7.5% साधारण ब्याज की दर पर 600 वर्षों के लिए निवेशित राशि रुपए वाई पर है। एक्स वाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई का अनुपात क्या करना है ज्ञात करना है। एक बार सभी साथी क्या करेंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे, 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित 100 रुपए, 5 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जिसका कि जितना की यहां पर बात करेंगे, क्या लिखा हुआ है गलत, जितना की 7.5% साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि वाई पर है। एक्स और वाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, 100 रुपये पर निकाल लें, यहाँ पर ब्याज बराबर दिया है 100 रुपया, कितने प्रतिशत लग रहा है 8% लग रहा है, कितना समय दिया है 5 वर्ष और बटा क्या है 100 है। और यहां पर माइडिया बात करें बाद में राशि कितनी है वाई है, कितने प्रतिशत की बात कर रहा है 7.5% की बात कर रहा है, और यहां पर कितने वर्षों की बात कर रहा है 6 वर्षों की बात कर रहा है, ब्याज क्या दिया हुआ है बरोबर दिया हुआ है, यही दिया है। यहां पर माइडियर अगर कुछ कट रहा है तो उसे काट देते हैं, ये 100 से आपका क्या हो जाएगा 100 कट जाएगा, और कुछ काटना चाहें तो देखें बात आपकी क्या है, 2 से काट दें, 2 से माइडियर ये कितनी बार आपका 4 बार, और ये आपके कितनी बार कटेगा 3 बार। अगर 5 से माइडियर इसे काटना चाहें तो ये कितनी बार 1 बार, इसे काट दें कितनी बार ये 1 बार, और यहां पर माइडियर बात करें तो कितना बचा हुआ है आपका, देखें अभी देख लेंगे पॉइंट को, यहां पर माइडियर बात करें 75 को अगर काटेंगे कितनी बार 25 बार, तो यहां पर माइडियर बात करें तो बचा 1 पॉइंट ही आ जाएगा। अब देखो बात आपकी क्या, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ नहीं कट रहा, तो यहां पर माइडियर बात करें एक्स और वाई का जो अनुपात आएगा, एक्स और वाई का जो अनुपात आएगा, वाई को इधर लेके आ जाते हैं, यहाँ पर माइडिया बात करें तो ये हो जाएगा इनटू आपका 3 हो जाएगा, और अपोन आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर आगे माइडिया बात को देखें तो और देखें, ये पॉइंटों को हटा देते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, इसे काट दें माइडियर कितनी बार 3 बार, और ये आपके कट जाएगा 2 बार, तो ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 9/8 आएगा, कितना आएगा 9/8 आ जाएगा। तो जब भी ऐसे अगर अलग अलग राशि दी है और उसका अलग अलग समय दिया है और बाद में ब्याज अगर बराबर दिया है तो दोनों को आप क्या कर दें इक्वल कर दें, दोनों को इक्वल करेंगे तब भी बात आपकी बन जाएगी, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। मेरे ख्याल से यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई होगी, यहाँ तक की चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी माय डियर आपकी चल रही है, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें चल रही हैं,
कोई भी खतरनाक बात आपकी नहीं कर रहा, जितनी भी बातें आपने की हैं सभी बातें अपने आप में क्या है, नॉर्मल हैं। और सभी बातें माय डियर नॉर्मल हैं, किसी प्रकार की अगर बात नहीं कर रहा तो चीज़ों को देखें, चीज़ों को समझें, क्या कहानी आपकी चलेगी, किस टाइप से बात आपकी कर रहा है। अगर इतनी चीज़ों को आप समझ पा रहे हो, इतनी चीज़ों को माय डियर देख पा रहे हो, तो आगे देखते हैं बात आपकी क्या है। देखें इसको बड़े आराम से, आपको समझना है बात आपकी क्या है, किस टाइप से बात कर रहा है, इस टाइप की कहानी अपन आगे भी पढ़ेंगे। 2500 रुपये को दो हिस्सों में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि एक हिस्सा 5% तथा दूसरा हिस्सा 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दिया जाता है और एक साल बाद कुल 160 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं, ब्याज के मिलते हैं, प्रत्येक हिस्सा ज्ञात करें। 2500 रुपये को दो हिस्सों में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि एक हिस्सा 5% से तथा दूसरा हिस्सा 7% वार्षिक दर के साधारण ब्याज पर दिया जाता है और एक साल बाद कुल 160 रुपया ब्याज के रूप में मिलता है, प्रत्येक हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर इसको अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ पर मिक्सर एंड एलिगेशन से भी माय डियर बात अपन करते हैं। अगर मैं अलग अलग रेट पर नहीं देता और मुझे अगर ब्याज कितना प्राप्त होता, 160 ही प्राप्त होता, तो ये किस रेट पर दिया होगा ये निकाल लें। ब्याज मुझे कितना प्राप्त हो रहा है, 160 हो रहा है, और यहाँ पर माय डियर बात करें मूलधन आपका कितना है, यहाँ पर माय डियर बात करें कितना है, 2500 है और रेट मुझे पता नहीं है। यहाँ पर बात करा दो हिस्सों को इस प्रकार बांटा जाता है कि एक 5%, दूसरा साधारण ब्याज दिया जाता है और एक साल के बाद कितना समय दिया है आपका, एक साल दिया है, बटा आपका क्या होगा, 100 होगा। ये जीरो से आपका क्या उड़ जाएगा, जीरो, क्लियर है। अब यहां पर माय डियर बात करें आर बराबर आपका कितना आएगा, यहां पर माय डियर बात करें ये कितना, 160 बटा कितना, 25। 5 से माय डियर काटेंगे तो ये कितनी बार, 3 बार, और यहां पर बात करें ये 2 बार, ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, कितना आ जाएगा अनुपात, ये आ जाएगा। अगर 160 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त करना था तो इस रेट पे अगर देते, अगर इस रेट पे देते तो यहाँ पर आपको 160 रुपया ब्याज प्राप्त हो जाता, लेकिन यहाँ पर पहले किस रेट पर दे रहा है, आधे को 5 पर और आधे को कितने पर, 7 पर। अगर पूरे को वो 32/5% रेट पर दे दे तब भी कितना रुपया प्राप्त होगा, 160 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पर मिक्सर एलिगेशन में इस टाइप की बहुत सारी बातें अपन करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कैसे लगाना है, पहले कितने आधे हिस्से को कितने प्रतिशत पर दे रहा है, यहाँ पर माय डियर बात करें 7% पर, और दूसरे हिस्से को कितने पर दे रहा है, 5% पर, और ओवरऑल उसे कितना हो रहा है, यहाँ पर माय डियर बात करें कितना हो रहा है, 32/5 के आ रही है रेट, ये आइए। अब अनुपात आपको निकालना है तो आप क्या करें, 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दें, 5 का उधर कर दें, तो यहाँ से 5 आपका हट जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यहाँ पर माय डियर ये बात आपकी क्या बन जाएगी। इतनी बात आपको समझ आ गई, और इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो देखें इन चीज़ों को थोड़ा सा क्या कर लें, और वो कर लेते हैं। ये हो गया, अब यहाँ पर माय डियर बात करें ये 32% आ गया, ये आपको दिख गया होगा, बात को समझें, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो बात आपकी क्या है, देखिए चीज़ों को, अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो इसको 5 को इधर कर दें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 35, और इधर कर दें तो कितना हो जाएगा आपका, 5%, और ये आपका 25% हो जाएगा। ये तो माय डियर आपका कितना हो गया, यहाँ पर माय डियर बात करें 5 का मल्टीप्लाई किया तो 35, वो आपका क्या हो जाएगा, 25%, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 32, ये बन गया। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर माय डियर 2, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। यहाँ तक बात को देखें, यहाँ तक माय डियर बात करें, प्रत्येक हिस्सा आपको निकालना है। टोटल कितना था, 2500, और यहाँ पर माय डियर इसका अनुपात कितना आ रहा है, यहाँ पर 7:2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 7:2 आ रहा है। यहाँ तक चीज़ों को देखेंगे, यहाँ तक चीज़ों को समझेंगे, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी आपकी चल रही है, चीज़ों को देखें, यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या है, किस टाइप से बात आपकी की है, और कैसे प्रोसेस आपका चल रहा है। अगर इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ पर माय डियर बात करें 35 में से घटाया तो 2, 35 में से अगर 32 को घटाएंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, देखें कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, टोटल हिस्सा कितना दिया है, यहाँ पर 2500, तो यहाँ पर ये 7 और 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10,
और 10 बराबर आपका कितना आ रहा है, यहां पर माय डियर बात करें कितना आ रहा है 2500, तो 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा 250। प्रत्येक हिस्सा निकालना है, प्रत्येक हिस्सा निकालना है तो निकाल लो, यहां पर माय डियर बात करें ये वाला हिस्सा निकालना है तो 250 इंटू क्या कर दें 7, इंटू 7 करेंगे ये आपका कितना हो जाएगा 0, ये आपका कितना होगा 35 और ये आपका 14, 14 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17, यहाँ पर माय डियर बात करिए तो कितना हो जाएगा आपका 750 हो जाएगा। तो एक हिस्सा तो 750 होगा और एक हिस्सा आपका कितना होगा 1750 होगा, कितना होगा 1750 होगा। यहाँ तक चीज़ों को देखें, यहाँ तक चीज़ों को समझें, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी आपकी चल रही है। अपन ने पहले निकाल लिया था अगर वो 160 रुपये का ब्याज कमाना चाहता है तो 2500 रुपए को कितने प्रतिशत पर देना होगा, कितने प्रतिशत ब्याज पर देना होगा 32/5 प्रतिशत ब्याज पर देना होगा। तो डायरेक्ट ब्याज 160 बराबर आपने क्या कर दिया, पीआरटी कर दिया, उससे आर बराबर कितना आ गया, यानी मिक्सर कर रहा है चीजों को। तो मिक्सर और एलिगेशन में बहुत सारी चीजें इस टाइप के अपन पढ़ेंगे, तो अपन ने यहां पर इससे इसको खेला है, मिक्सर एंड एलिगेशन से इसको अपन ने खेला है। अगले चैप्टर जो अपन बात करेंगे वहां पर चीजों को और समझने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इतनी चीजें आपको समझ आई होगी। अगर इतनी बातें आपको समझ आई हैं तो बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे आपकी क्या है देखिए कहानी माय डियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे, बात आपकी क्या कर रहा है। यदि 1200 रुपये की धनराशि को ऐसे दो भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग के 3 वर्षों का 12 प्रतिशत दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4.5 वर्षों का 16 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या हो, बराबर हो, तो बड़ा भाग क्या होगा। सभी एक बार आंसर देने की कोशिश करेंगे, सभी साथी क्या करेंगे आंसर देने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे कि यहाँ पर माय डियर आपकी बात क्या बन रही है, आपका आंसर क्या आ रहा है। तो देखो यहां पर बात कर रहा है 12000 की धनराशि को ऐसे दो भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग के 3% 3 वर्षों का 12%, दूसरे भाग का 4.5 वर्ष का 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। तो दो भागों में माय डियर बांट रहा है, कितने भागों में बांट रहा है, दो भागों में, तो बड़ा भाग आपको निकालना है। तो अपन ने दो भाग इसके का मान लिए, ए और बी मान लिए, और यहां पर माय डियर बात कर रहा है वार्षिक साधारण ब्याज क्या दिया हुआ है, बराबर दिया है, साधारण ब्याज आपका क्या दिया है, बराबर दिया है। तो दो भाग अपन ने ए और बी मान लिया, क्या मान लिया ए, तो यहां पर ए भाग ये है। अब इसको एक्स भी मान सकते हो, 12000 माइनस एक्स भी अपन ने ए मान लिया। दो भागों में इस प्रकार पहले भाग के 3 वर्षों इंटू यहाँ पर माय डियर बात करा 12% आपका क्या हो जाएगा, सो यही होगा साधारण ब्याज। और दूसरे भाग की यहाँ पर माय डियर बात करें बी है, और यहाँ पर बात करा ये कितना हो जाएगा 8/9 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इंटू माय डियर क्या करें 16 अपॉन आपका क्या होगा 100 होगा, ये ब्याज क्या है, बराबर है। यहाँ पर माय डियर बात करें 100 से आपका 100 कट जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें 4 से काट दें कितनी बार 3 बार, ये कितनी बार कट जाएगा आपका 4 बार। 2 से माय डियर बात करें तो ये आपका 2 से ये कितनी बार कट जाएगा आपका 2 बार। यहाँ पर माय डियर बात करें ये 3 3 9 9 से आपका ये कट जाएगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करा है ए अनुपात आपका बी क्या आएगा, ऊपर कितना बचाए 2 और नीचे कितना बचाए 1 बचाए, तो ए और बी का अनुपात आपका कितना आ गया 2:1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। तो ए और बी का अनुपात 2:1 आ गया, और ए इसको अगर ऐड करें 2 और 1 को ऐड करेंगे 3, और टोटल भाग कितना है आपका 1200 है, तो 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें 3 भाग बराबर कितना है आपका 12000, तो 1 भाग बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4000। 1 भाग बराबर बड़ा भाग आपको निकालना है, बड़ा भाग क्या है आपका 2 है, तो 2 भाग बराबर कितना आ जाएगा आपका 8000, कितना आ जाएगा आपका 8000। तो यहाँ पर 2 भाग बराबर किसका है, 1 का है, तो 2 भाग बराबर कितना आएगा 8000। यहाँ तक की कहानी माय डियर आपको समझ आई होगी। अगर इतनी चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, इतनी बातों को माय डियर पकड़ पा रहे हैं, तो इसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे। आज की बातों को यहीं तक रखते हैं, और मेरे ख्याल से जितनी भी बातें आपने देखी हैं वो बातें समझ आई होगी। तो सभी मस्त रहिए, बिंदास रहिए, इसके के आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।